कहाँ गायब हुआ था और मैं एकदम ना शॉक्ड हो गई थी। बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था भाई उनका, तो कार में बैठने ही वाले थे कि दौड़ते हुए एक पुलिस, यहाँ पे एक केस हुआ था कि परेशानी बहुत हुई थी पूरा एक दिन कि जो पर्सन से आप बात कर रहे थे वो क्रिमिनल ही रही और फिर पुलिस पे कंप्लेन भी किया। स्कैम 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 चारों तरफ हो रहा है आजकल टूरिस्ट के साथ स्कैम। तो क्या आप भी फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं? आप यूरोप घूमने आ रहे हैं या आप यूएस जा रहे हैं या फिर एशिया की किसी कंट्री में घूमने का प्लान कर रहे हैं? तो चारों तरफ ना आजकल स्कैम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं टूरिस्ट के साथ। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि किस किस तरीके के स्कैम्स आजकल किए जा रहे हैं टूरिस्ट के साथ, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि स्कैम्स इस तरीके से हो रहे हैं तो आप इसकी चपेट में बहुत आसानी से आ जाएंगे। और अगर आप चपेट में आएंगे ना तो आपका जो ट्रिप है यादगार की जगह ना कुछ ज़्यादा ही यादगार हो जाएगा। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए ध्यान रखेंगे किस किस तरीके का स्कैम आजकल हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी निधि यूरोपा, और मैं हूँ निधि आपके साथ, और मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए। तो आइए जानते हैं स्कैम्स के बारे में जो टूरिस्ट के साथ आजकल हो रहे हैं। पहला स्कैम आ जाता है टैक्सी स्कैम। तो हमेशा याद रखें कि कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जो ऑथराइज्ड टैक्सी है वही लें, किसी भी टैक्सी को यूज़ ना करें, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड होने के बहुत चांसेस हैं। कि ये लोग क्या करते हैं कि जो ऑथराइज्ड नहीं होते हैं वो आपको लेके चले जाते हैं कहीं पर भी रास्ते में, आपसे सारा सामान आपका ले लेंगे, आपका कैश ले लेंगे और आपको बीच रास्ते में उतार देंगे। तो ये स्कैम बहुत कॉमन है। तो इसका एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब मैं पेरिस गई थी तो वहाँ पर जैसे ही हम एयरपोर्ट पर लैंड किए तो मैं जो एयरपोर्ट पर जो शॉप्स होते हैं ना उसको एक्सप्लोर कर रही थी थोड़ा। उसके बाद ना बार बार एक बंदा आके हमसे कह रहा था कि टैक्सी चाहिए क्या, टैक्सी चाहिए क्या करके, तो हम उतना ध्यान नहीं देते। फिर एट द एंड हमको बाहर निकल के टैक्सी तो लेना ही था, तो वो खड़ा ही था वहाँ पर। तो हमने कहा चलो भाई इसी के साथ चलते हैं, तो वो हमको ना मेन डोर से ना ले जाके साइड के किसी डोर से लेके गया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो हमको एक मिनट भी नहीं लगा, बाहर जैसे ही पहुँचे वो अपनी गाड़ी सामने रखा हुआ था, एक मिनट के अंदर उसने सारा सामान अपने पीछे गाड़ी में डाल दिया और हम जस्ट ना कार में बैठने ही वाले थे कि दौड़ते हुए एक पुलिस आई और उसने उसको डांटा और सारा सामान निकलवाया और कहा कि ये लीगल टैक्सी नहीं है करके। फिर वो हमको जो अलग से लाइन लगी हुई थी टैक्सी की, जो ऑथराइज्ड टैक्सी था वहाँ का, वहाँ तक लेके गया और बोला कि इसमें जाइए करके। तो बाय गॉड ग्रेस हम उस दिन बच गए थे। तो ये भी हमारा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ऐसा होता है। अब आ जाते हैं ATM स्कैम के बारे में। तो ATM स्कैम भी बहुत कॉमन है, जैसे कि इंडिया में आजकल हो रहा है कि मशीन के अंदर कुछ लगा के रखा हुआ रहता है कार्ड रीडर के पास और आप मिनी कैमरा लगा के रखे रहते हैं, वैसा यहाँ पे भी होता है। जो पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है वहां पे जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होगी वहां पर ATM यूज करने से थोड़ा बचें और केयरफुल रहें। साथ ही अगर आपको ATM यूज करते समय कोई आता है और कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं आपको नहीं जम रहा है तो बिल्कुल भी किसी का हेल्प ना लें, अगर नहीं बन रहा है तो पैसे ना निकालें। और इससे बचने का उपाय यह है कि जो आपका बैंक है वहां पर आप फ्रॉड इंश्योरेंस लेके रखें, तो इन केस अगर आपके साथ कोई स्कैम हो भी जाता है तो अगर आप इंश्योरेंस में रहेंगे तो वो रिकवर हो जाएगा। अब आ जाते हैं बर्ड पूप स्कैम। तो ये ना फ्रांस में बहुत होता है, मैंने सुना है, बहुत लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि आपके पीछे ना कोई कुछ छिड़क देगा और आपसे कहेगा कि बर्ड ने कुछ गंदा कर दिया आपके शोल्डर पे, और जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट होंगे देखने लगेंगे वो आपका बैग लेके ना गायब हो जाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि कोई भी कुछ कह रहा है तो तुरंत ही डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब आ जाते हैं फोटोग्राफी स्कैम, जिसमें कुछ लोग आपके पास आएंगे और अपना फ़ोन देके कहेंगे कि हमारी फ़ोन से हमारी ही फ़ोटो निकाल दें, और जैसे ही आप उनका फ़ोन लेंगे और फोटो खींचने लग जाएंगे तो फिर फोटो खींच के जब आप उनको फ़ोन देंगे तो वो पता नहीं कैसे संभव कुछ कर देंगे अपने फ़ोन को और कहेंगे कि आपने हमारा फ़ोन तोड़ दिया या ख़राब कर दिया, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो बहुत केयरफुल रहें किसी का फ़ोटो खींचने के पहले उनके फ़ोन से। अब आ जाते हैं फेक पुलिस स्कैम, जो कि बहुत कॉमन है यूरोप में। इसके 3-4 एग्जाम्पल मैं आपको देने वाली हूँ कि किस किस तरीके से फेक पुलिस बन के लोग चूना लगाते हैं लोगों को, फ्रॉड करते हैं उनके साथ और उनका सारा सामान लूट लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ये है कि पुलिस का ड्रेस पहन के कोई आपके सामने दो लोग आएंगे और आपसे कहेंगे कि अपनी आईडी दिखाओ, बैग दिखाओ, और फिर कहेंगे कि आपके आईडी में कुछ प्रॉब्लम है, आपके वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम है, इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, ऐसा चार्ज करेंगे। तो ये ध्यान रखें कि कभी भी पुलिस यहाँ पे ऐसे कैश नहीं मांगती है। तो अगर आपसे कोई इस तरीके से कैश और पैसा मांगता है तो वो बिल्कुल ही फेक है और फेक पुलिस है, ये ध्यान रखें। फेक पुलिस का दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगी कि जब मैं बार्सिलोना गई हुई थी, जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो मेरा वॉलेट चोरी हो गया था। तो उस वॉलेट में मेरा रेसिडेंस कार्ड था, तो रेसिडेंस कार्ड के कारण मुझे एम्बेसी जाना पड़ा कि मेरा कार्ड चोरी हो गया। तो उन्होंने मुझे लेटर बना के दिया वहाँ जब हम एम्बेसी गए थे, ऑस्ट्रिया की एम्बेसी बार्सिलोना में। तो वहाँ पर ना एक आंटी अंकल आए हुए थे, थोड़े ओल्ड एज थे, तो यार वो लोग बेचारे लोग ऐसे दुखी थे ना, उन लोग का तो सारा सामान ही लुट गया था। तो वो लोग बताए, वो आंटी अंकल हमको जो वहाँ पे मिले जब हम वहाँ पे एम्बेसी में थे, तो कि वो
इटालिया से ना जो बार्सिलोना है बाई कार जा रहे थे, तो बार्सिलोना से ना 20 किलोमीटर पहले वहाँ पे कुछ ग्रुप में पुलिस वाले थे जो जिन्होंने उनको रोका और कहा कि अपनी आईडी दिखाओ एंड ऑल। और किस तरीके से रोका कि 100 मीटर की दूर पे दो पुलिस वाले खड़े हैं और 100 मीटर पहले उनको रोका गया और कहा गया कि आप लोग उतरिए और वहाँ पर दूसरा जो पुलिस वाला खड़ा हुआ है उनके साथ चल के बात करिए और अपनी आईडी एंड ऑल सब चीज़ दिखाइए। आप यकीन नहीं करेंगे, वो लोग चल के गए बेचारे लोग वहाँ तक के और पीछे से उनका कार का सारा सामान गायब, उनका फ़ोन गायब, यहाँ तक उनका पासपोर्ट वगैरह सब चीज़ वो लोग गायब कर दिए। और वो बेचारे लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ एम्बेसी तक पहुँचे, कहते हैं कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था, मतलब वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ चुके थे। तो बहुत केयरफुल रहें अगर आप यूरोप आ रहे हैं, तो किसी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर आप बाय कार जा रहे हैं और आपको कोई पुलिस बन के रोकता है तो बहुत ध्यान रखें और सतर्क रहें कि वो पुलिस है भी कि नहीं, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मैं तीसरा एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे जो फेक पुलिस बनते हैं ना उनका पूरा ग्रुप होता है, तो उसका एक ग्रुप मेंबर आपके पास ऐसी नॉर्मल ड्रेस में आएगा और आपसे कुछ एड्रेस पूछेगा या कुछ करेगा, बात करने की कोशिश करेगा, तो आप भी उससे दो मिनट बात करने लगेंगे, फिर वो ना वहाँ से चुपचाप चला जाएगा। उसके बाद दो पुलिस वाले आपके पास आएंगे और कहेंगे कि जो पर्सन से आप बात कर रहे थे वो क्रिमिनल है, तो आप भी उसमें इन्वॉल्व हैं क्या, तो आप अपना बैग दिखाइए, अपना कार्ड दिखाइए, ऐसा कह के ना आपसे पैसे चार्ज करने लगेंगे। तो ये बहुत ध्यान रखें कि आप क्रिमिनल हैं बोल के आपको डराया जाएगा कि आप किसी क्रिमिनल से बात कर रहे थे, ये पूरे ग्रुप वाले ही होते हैं ये लोग। तो ये भी फेक पुलिस वाला जो काम है, स्कैम होता है, वो इस तरीके का भी होता है, तो बहुत केयरफुल रहें। और अगर इस तरीके से आपको कोई डराने की कोशिश करता है कि वो क्रिमिनल था, आप उससे बात कर रहे थे एंड ऑल करके, तो बिल्कुल डरे नहीं, आप कहें कि ठीक है चलो लेट्स गो टू द पुलिस स्टेशन करके, आप उनको ही कहें कि पुलिस स्टेशन में चल के बात करेंगे, हम यहाँ पे कोई डील नहीं करेंगे अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो अगर वो फेक होंगे तो ऑलरेडी डर जाएंगे क्योंकि आपने कोई गलती तो की नहीं है, तो डरने की तो ज़रूरत है नहीं। तो इसी तरह आजकल चल रहा है फ्रेंडशिप बैंड स्कैम, जिसमें कई कुछ लोग आपके पास आके कहेंगे कि हम ऐसे ही आपको फ्रेंडशिप बैंड बांधना चाहते हैं, और जैसे ही आप उनसे बैंड बंधवा लेंगे उसके बाद वो आपसे कहेंगे कि इसके 100 यूरो हुए, 200 यूरो हुए, आपको देना पड़ेगा, इस तरीके से आपके ऊपर प्रेशर डालने लगेंगे। तो आप बहुत केयरफुल रहें अगर कोई आपके पास बंदा आता है कि आपको गुलाब दे रहा है या फ्रेंडशिप बैंड आपके हाथ में बांधना चाहता है, तो बिल्कुल भी अलाउ ना करें। अब आ जाते हैं फेक गोल्ड स्कैम। तो ये जो स्कैम है ना पेरिस में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें क्या करते हैं लोग ना कुछ भी गोल्ड ज्वेलरी है वो कहीं पे गिरा देते हैं, और आपने उसको देखा कहीं पर चलते फिरते और आपने उसको उठा लिया कि गोल्ड है करके, तो फिर दूसरा बंदा आपके सामने आ जाएगा और कहेगा कि मैंने पहले देखा था आपसे पहले, और कहीं आप लालच में आ गए कि ये सच में गोल्ड है और मैंने पहले देखा है, मैं इसको रखूंगा करके, तो फिर आप गए काम से, फिर वो बंदा आपसे कहेगा कि ठीक है तुमने पहले देखा था तो तुम रख लो, मुझे $40 दे दो या $100 दे दो और आप रख लो बाकी उसको करके। तो फिर अगर आप लालच में उसको पैसे दे के उसको रख लिए ना, तो फिर गए काम से क्योंकि वो गोल्ड तो होगा ही नहीं। साथ ही अगला स्कैम आ जाता है डोनेशन स्कैम या पिटीशन स्कैम, जिसमें कोई पर्सन आपके पास आएगा और कहेगा कि आप कुछ पैसे डोनेट कर दें, एक यूरो या 2 यूरो या 10 यूरो, तो अगर आपने उसमें डोनेट कर दिया तो आपको कहेंगे कि इस पेपर में आप साइन कर दें, और अगर आपने साइन कर दिया तो उसके बाद कहेंगे आप 100 यूरो दें, 200 यूरो दें, क्योंकि आपने यहाँ पे साइन कर दिया है। इसी तरीके से पिटीशन करके भी वो लोग कहीं पे भी साइन करवाने की कोशिश करते हैं पेपर में, और अगर आपने पेपर में साइन कर दिया उसके बाद आपसे 100-200 यूरो इस तरीके से वो मांगने लगते हैं। तो इन सब से भी बच के रहें, किसी को भी कोई डोनेट वोनेट ना करें, कोशिश करें कि अवॉइड करें डोनेशन वगैरह, एंड कोई कहे कि किसी पेपर में बस आपका साइन चाहिए तो बिल्कुल भी कहीं पे भी अपना साइन ना करें। अब आ जाता है पिक पॉकेटिंग, जो कि पूरे वर्ल्ड में कॉमन है, इसी तरीके से यूरोप में भी पिक पॉकेटिंग बहुत आम हो गया है। इसमें क्या करते हैं ना, कुछ लोग ग्रुप बना के रखे हुए रहते हैं, इनका पूरा संगठन होता है पिक पॉकेटिंग वालों का, तो इसमें इन लोग का प्लान ऐसा रहता है कि आपको किसी भी तरीके से ना कहीं पे भी ट्रेन में हो या कोई पब्लिक प्लेस में हो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी एड्रेस पूछ रहे हैं या कुछ भी गिर गया या कुछ भी करके बहाने से आपसे बात करेंगे, और जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं उसकी बहुत सारे लोग वहाँ पे आके ना भीड़ कर लेते हैं और आपका सारा सामान ना गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और ये चीज़ सेफ्टी के लिए ध्यान रखें कि आपके जितने भी बैग्स हैं, चेक इन बैग है, हैंड लगेज है, सब में आप ना एयर टैग लगा के रखें, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि एयर टैग से आपको पता चलता रहेगा कि आपका बैग कहाँ पर है। पिक पॉकेटिंग में मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जब मैं स्पेन गई थी तो बार्सिलोना से एक दूसरी जगह घूमने के लिए गई थी, तो हम वहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ किए थे, तो जब मैं वापस आ रही थी तो लिटरली मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा पर्स है वो बैग के अंदर से गायब हो गया था, और जो मैं बार्सिलोना पहुँची तब मुझे पता चला कि वो गायब हो गया है करके, और मैं सोचती रही रास्ते भर कि मैंने कहाँ पे क्या किया था, कैसे मैं बैठी थी, किसी रेस्टोरेंट में बैठी थी कि मैंने पब्लिक का जो ट्रांसपोर्ट यूज़ किया था उस पर मैं इस तरीके से बैठी थी कि मेरी नींद गई थी तो मेरे पर्स से किसी ने निकाला, मुझे समझ ही नहीं आया कि कहाँ से वो गायब हुआ। तो जब ट्रैवल करते हैं आप तो भी बहुत ध्यान रखें कि आपकी नींद ना लग जाए, अगर आपकी नींद लग गई भाई तो आपका जो लैपटॉप है, आपका बैग है, सब कुछ गायब आराम से हो सकता है।
अब आ जाते हैं रेस्टोरेंट्स स्कैम। तो जो टूरिस्ट प्लेस में रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे जब भी आप विजिट करते हैं तो बहुत बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और रेस्टोरेंट्स में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो वहाँ पर अपने सामान को लेकर ना बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, क्योंकि यहाँ पर वियना में ही कुछ साल पहले की बात है कि हमारा जब ग्रुप था, फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो वहाँ पर हम एक कैफ़े है वहाँ पर गए हुए थे और सारे लोग ग्रुप में ही बैठे हुए थे। तो हमारी एक दोस्त है, उसका जो बैग है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, हम सब ऐसे ग्रुप बना के बैठे थे, उसका बैग गायब हो गया और वो ढूंढती रही और फिर पुलिस में कंप्लेन भी किया, कोई हेल्प नहीं मिला। इवन वहाँ पे सीसीटीवी भी लगा हुआ था कैफ़े में, लेकिन कैफ़े वालों ने भी किसी भी तरीके से कोई हेल्प नहीं की। तो आप ये नहीं बोल सकते कि किसकी मिली भगत थी, कि कोई ले के चला गया या मतलब ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारी जगह पूरे दिन घूमते हैं, उसके बाद जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। तो रिलैक्स रहें, पर इतने भी रिलैक्स ना रहें कि आपका सामान चोरी हो जाए। और अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप ये बिल्कुल भूल जाएं कि आपको कुछ हेल्प मिलने वाला है, आपका सामान गया मतलब गया। रेस्टोरेंट स्कैम में एक और स्कैम है जो टूरिस्ट प्लेस के रेस्टोरेंट्स में बहुत होता है। अगर आप यूरोप आ रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहें, कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो कि ना, जैसे कि आप कोई बियर का बॉटल मंगाए या वाइन का बॉटल मंगाए, तो उस समय वो प्राइस नहीं बताएंगे और उसके बाद जैसे ही बिल आएगा तो उसका जो चार्ज है, 300 यूरो का बॉटल है, 400 यूरो का बॉटल है, ऐसे चार्ज करते हैं। फिर वो चार्ज करेंगे तो आपको देना ही पड़ेगा। तो बहुत केयरफुल रहें कि आप क्या सामान ऑर्डर कर रहे हैं, और जो भी सामान ऑर्डर कर रहे हैं उसका आप प्राइस चेक कर लें। अब आ जाते हैं फेक टिकट स्कैम। तो ये जो है ना बहुत कॉमन है यूरोप में, कि आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस में अगर जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी जगह अगर विजिट करने के लिए आपसे कोई आके हाफ रेट में टिकट बेचने की कोशिश करता है कि इसका टिकट इतना है, प्राइस फुल प्राइस इतना है, लेकिन हम इसको हाफ में आपको सेल कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि जो आप टिकट खरीदेंगे वो बिल्कुल फेक हो सकता है। साथ ही अगर आप अपार्टमेंट बुक कर रहे हैं, होटल बुक नहीं कर रहे हैं, तो बहुत केयरफुल रहें कि जो अपार्टमेंट आपको दिखाया जा रहा है, जब वहाँ पे आप पहुँचे हैं तो आपको वही अपार्टमेंट में ही लेके जाया जा रहा है या किसी और अपार्टमेंट में लेके जाया जा रहा है। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि ऑथराइज्ड जो भी वेबसाइट है उसी के थ्रू आप बुक करें, और बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि कई लोगों के साथ ये भी फ्रॉड हुआ है कि उनसे पैसे ले लिए गए और उसके बाद वो अकाउंट डिलीट हो गया। तो कोशिश करें कि जो ऑथराइज्ड वेबसाइट है उसके थ्रू ही बुक करें, और उसमें भी ये ध्यान रखें कि जब आप वहाँ पे पहुँचे हैं, जो भी आपकी सिटी है या जो कंट्री में आप पहुँचे हैं, तो वहाँ पर जो अपार्टमेंट आपने देखा था वहीं पर आपको लेके जाया जा रहा है। ये नहीं कि आपने देखा कुछ और था और आपको कहीं और पे लेके जाया जा रहा है, तो इसका भी बहुत ध्यान रखें। अब आ जाते हैं टिप के बारे में। तो सबसे पहला टिप तो मैं ये दूंगी कि जितना भी आपका हैंड लगेज है उसमें आप एयर टैग लगा के रखें। दूसरा टिप ये है कि किसी भी अननोन पर्सन से ना आप बात ना करें, कोशिश करें अवॉइड ही करें। साथ ही अगला टिप मैं दूंगी कि आपका जो कैश है आप वो डिवाइड करके रखें, केवल बैग में ना रखें। साथ ही ट्रैवल करते समय ये ध्यान रखें कि जो भी आपका आईडी है उसकी कई कॉपियां अपने पास रखें, हार्ड कॉपी भी रखें, सॉफ्ट कॉपी भी रखें, और ये कोशिश करें कि दो मोबाइल अपने साथ रखें, एक मोबाइल बैग में रखें, एक मोबाइल कहीं और रखें, और दोनों मोबाइल में आपके जो भी डाटा है आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मोबाइल गुम गया तो फिर आप बैठे ही रह गए, दूसरे मोबाइल में भी आपके पास नंबर होना चाहिए। तो और अगला टिप मैं दूंगी कि जो अपना हैंड लगेज है बहुत अच्छा वाला बैग यूज़ करें, कि सस्ता वाला बैग यूज़ ना करें और काफ़ी अच्छे से आप उसको सेफ रखें। साथ ही अगर आपको कोई वीज़ा के नाम से या किसी क्रिमिनल से आप बात कर रहे थे, इस तरीके से कुछ भी फ्रॉड है ऐसा करके डराने की कोशिश करें, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भाई लीगल तरीके से अपना टूरिस्ट वीज़ा लगवा के, स्टैंप लगवा के आ रहे हैं, तो डरने की तो कोई बात है ही नहीं। तो आप ये कहें कि ठीक है हम पुलिस स्टेशन चल के बात करते हैं, तो अगर आप ऐसा कहेंगे तो सामने वाला खुद ही डर जाएगा और पीछे हट जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताएं, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहें फॉर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।